क्या आपने कभी बीच पर सैंड कासल बनाया है? ये कासल ओशन के पानी से कुछ ही समय में मिट जाता है। जब भी मेरा सैंड कासल या मेरा नाम जो कि सैंड पर लिखा होता था वो पानी से मिट जाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर मुझे पता चला कि सी वाटर लेवल 6 से 12 आवर्स की रेगुलर साइकिल में बढ़ता है और कम होता है और इसे टाइड्स कहते हैं। टाइड्स, ये वर्ड आपने सुना होगा, बट ये काम कैसे करता है? ओशन को ये कैसे पता चलता है कि कब उसे लेवल बढ़ाना है या घटाना है? लेट्स गो इनटू इट। मेरे ख्याल से यहां कोई एक फोर्स ऐसा होगा जो पानी को शोर पर पुश करता है और फिर उसे पीछे से पुल कर लेती है। सरप्राइजिंगली स्पेस में मून का इससे जरूर कुछ लेना देना है, लेकिन मून और टाइड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। हमें पता है कि मून का रेवोल्यूशन और अर्थ का रोटेशन परफेक्ट अग्रीमेंट में है। मून अर्थ के अराउंड उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, इसलिए मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमें पता है कि 71% अर्थ पानी से कवर्ड है। इसका मतलब है कि जब मून अर्थ को पुल करता है तो वो पानी को भी पुल करता है। उस समय हमें अर्थ पर पानी का लेवल बढ़ता हुआ लगता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। इस गुब्बारे को अर्थ और मेरे हाथ को मून समझो। मेरा हाथ अर्थ की सरफेस को पुल कर रहा है, इसका मतलब है कि इस एंड पर एक बल्ज है। यही वो जगह है जहां वाटर लेवल राइज होगा, इसे हाई टाइड कहते हैं। बट रियलिटी में एक दिन में 2 हाई टाइड्स होते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ पर एक जगह है जहां एक और हाई टाइड दिखेगा। चलो उस जगह को ढूंढते हैं। जब मून अर्थ को पुल करता है तब पूरा अर्थ मून की तरफ मूव करता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि मून अर्थ के हर पीस को अट्रैक्ट करता है। अर्थ की जो साइड मून के पास है उस साइड ये फोर्स ज्यादा होता है और जो साइड दूर है उस पर कम। क्योंकि अर्थ एक रिजिड ऑब्जेक्ट है ये फोर्स अर्थ को डिफॉर्म नहीं कर पाता, पर ये ओशन को डिफॉर्म कर देता है क्योंकि वो रिजिड नहीं है। अब जो पानी मून की साइड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है तो ये साइड मून की तरफ बल्ज करती है जिसके कारण हाई टाइड्स होते हैं। अब क्योंकि मून के ऑपोजिट साइड का पानी सबसे कम अट्रैक्ट होता है तो ये रिजिड अर्थ से पीछे रह जाता है और इसलिए मून की ऑपोजिट साइड बल्ज होता हुआ दिखता है। इसी कारण से ये अर्थ से भी दूर बल्ज होता हुआ दिखता है और हमें हाई टाइड्स दिखते हैं। चलो इन हाई टाइड्स को ए और बी नाम देते हैं, पर बाकी एंड्स का क्या? इन्हें सी और डी नाम देते हैं। जब पानी ए और बी पर हाई टाइड्स बनाने के लिए पुल होते हैं तब इसे कंपेंसेट करने के लिए पानी सी और डी से पुश होता है। इसका मतलब है कि इन जगह पर वाटर लेवल घट जाती है और यहां पर लो टाइड्स बनती है। पर टाइम का क्या? हम हाई टाइड्स और लो टाइड्स कब आएंगे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? हमें यह पता है कि मून अर्थ के अराउंड उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है जिस डायरेक्शन में अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। अर्थ हमेशा मून की स्पीड को मैच करना चाहता है, इसलिए वो 50 मिनट्स एक्स्ट्रा लेता है। इसी एग्जैक्ट टाइम के कारण हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स दिखती हैं। इसीलिए हर 24 आवर्स 50 मिनट्स में हमें 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स दिखती हैं। अगर ए पर अभी हाई टाइड हुआ तो 6 आवर्स और 12.5 मिनट्स बाद वो जगह दूसरी साइड चली जाएगी और हमें लो टाइड दिखेगी। यहां से हम कह सकते हैं कि हमें हर दिन 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स दिखती हैं। ये ओशन टाइड्स बहुत पावरफुल होती हैं, ये बहुत एनर्जी कैरी करती हैं। क्योंकि हम हाई टाइड्स कब आएंगी ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इन हाई टाइड्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया है। आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, इसका मतलब है पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना। टाइड्स की एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओशन टाइड्स से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोसेस को ईजी करने के लिए रिसर्च चल रही है। किसको पता कि यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अगला सबसे बड़ा सोर्स है।
टाइड्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो शिप्स को भी मूव कर सकती हैं। टाइड्स हमें नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं। बड़े शिप्स के लिए हाई टाइड्स के टाइम पर हार्बर पर आना और जाना इजी होता है। हमने टाइड्स के बारे में काफी एक्सप्लोर कर लिया। लेट्स रीकैप। अर्थ पर मून के अट्रैक्शन के कारण पानी के लेवल में होने वाले राइज और फॉल को टाइड्स कहते हैं। वाटर लेवल के राइज को हाई टाइड कहते हैं। वाटर लेवल के फॉल को लो टाइड कहते हैं। एक दिन में हम दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स देख सकते हैं। सी का वाटर लेवल 12 आवर्स 25 मिनट्स में दो बार बढ़ता और कम होता है। हाई टाइड्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। हाई टाइड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बड़े शिप्स को मूव करने में और नेविगेशन में काम आती है। अब आप जानते हो कि टाइड्स कैसे काम करते हैं, तो अगली बार जब आप सैंड कासल बनाओ तो इसका ख्याल रखना ताकि आप अपना सैंड कासल बचा पाओ। टिल देन, कीप लर्निंग।